नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे भैया। चार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों ने विश्वास करके चैनल को यहाँ तक पहुँचाया, लगभग 7.5 लाख लोग जुड़ चुके हैं आप। जी हाँ। सेकंड पे हम बात करेंगे मैं इस फील्ड में क्यों आया, क्या रीज़न था। एक बोलते हैं ना कि एक सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरे पीछे किसका हाथ था, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। भविष्य में हमारी क्या प्लानिंग है, मैं आप लोगों के लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ, क्या आप, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। ऑफिस के बारे में बात करेंगे, सबसे ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं सर आपकी ऑफिस कहाँ है। जी हाँ, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। सोच रहे हैं स्तर पे भी कुछ प्लानिंग करने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है वीडियो 10-10 मिनट का हो सकता है। पूरी डिटेल से वीडियो जानकारी आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो भैया पूरी जानकारी देखिए सुनिए, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा हकीकत का। जी हाँ, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद साथियों कि आपने इस चैनल को, अशोक LLB को यहाँ तक पहुँचाया। जी हाँ, 5 लाख प्लस इसमें सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप लोग जुड़ चुके हैं। दूसरे अगर फेसबुक पेज की बात करें अशोक LLB, उसमें भी 1,60,000 लोग जुड़ चुके हैं। तीसरा अपना चैनल है जो जॉब एडवाइस यूरोप से रिलेटेड हम बात करेंगे, गल्फ देशों के अलावा उस पर हम बात करते हैं जॉब के बारे में, ऑफर लेटर वीज़ा के बारे में, जिसमें लगभग 61,000 लोग उसमें भी जुड़ चुके हैं। तो एवरेज 7 लाख से ऊपर लोग इसमें जुड़ चुके हैं। तो आप लोग, यानी बात वो है ना कि एक बंदा खुद सिंगल होता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो वो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो सेम वही मेरे साथ है कि भाई जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं तो लोगों की एक भावना जुड़ जाती है कि यार ये बंदा सही बात करता है, हमें सही गाइड देता है, तो वो फिर उसके साथ उसी तरीके से चलना पड़ता है। गलत बातें शेयर करना, गलत बातें बताना किसी को, गलत जॉब के, वो फिर गलत बात हो जाती है। जी हाँ, इससे रिलेटेड भी मेरी जिम्मेदारी इसमें बढ़ गई है, तो हम इस पे अच्छा काम करने वाले हैं भविष्य में। हाँ, अब हम सेकंड बात कर लेते हैं कि भाई मैं इस फील्ड में क्यों आया। जी हाँ, हालांकि देखिए मेरा एक फील्ड नहीं था, हालांकि मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ के जुड़े हुए हजारों की संख्या में सीकर, चूरू, झुंझुनू, राजस्थान में, गल्फ देशों में रहते हैं, तो गल्फ का तो हमें नॉलेज है, क्योंकि हर घर में एक आदमी हमारी तहसील की बात करें तो बाहर रहता है, विदेश, गल्फ देशों में, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत। जी हाँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले अगर मैं मेरी बात करूं मैं क्या करता था, तो बता दूं 2017 में मेरी LLB कंप्लीट हुई थी, 2014 से लेके 2017 3 साल की डिग्री होती है, आप सबको पता है। उससे पहले मैं मार्केटिंग कंपनी में मैनेजरिंग पोस्ट पे था, जो कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे था, इसमें काम कर रहा था। उसके बाद में मेरी LLB कंप्लीट हो गई, तो मैंने कोर्ट ज्वाइन कर लिया। उसी दौरान ये आप जो फोटो अभी देख रहे हैं, ये हैं राजस्थान पाली के रमेश। जी हाँ, ये बड़ा एक मान लीजिए फ्रॉड आदमी इसको बोल सकते हैं। इससे मेरा संपर्क हो जाता है, ये बड़े बड़े सपने मुझे बताए इसने कि वकील साहब हम ऐसे कर रहे हैं, अपनी मलेशिया में, आगे सिंगापुर में हमारी कंपनी है, हम वहाँ पे ये बना रहे हैं। मतलब आदमी झांसे में लेने के लिए झूठ बोलता है। और वही है ना कि आदमी को चाहे भाई, देखिए लालच बड़ी बात हुआ जाती है ना कि यार आदमी जिसके बारे में नहीं जानता उसके बारे में बताते हैं 2 लाख तनख्वाह दिलवा देंगे। इस तरह से मेरे सामने ये इसने प्रस्ताव रखा, तो मैं इसके साथ में एग्री हो गया कि चलो ठीक है, अगर ये करवाता है तो अच्छी बात है। अब इसके साथ में मेरे और भी रिश्तेदार थे, जानकार थे, उनके उनको पासपोर्ट दिलवा दिए, पैसे दिलवा दिए मलेशिया के नाम से और सिंगापुर के नाम से। जी हाँ, इस बंदे ने यकीन मानिए कि सबको 15 दिन वाले वीज़ा में भेजा, मलेशिया का 15 दिन। आप देखेंगे, मैं इस चैनल को शुरुआत कहाँ से किया, 5 फरवरी 2018 को चैनल बनाया था मैंने, इसी से रिलेटेड 1 साल तक सिर्फ और सिर्फ मैंने मलेशिया की न्यूज़ डाली थी और इस बंदे के बारे में भी मैंने वीडियो बनाया था। जी हाँ, मेरा पर्पज़ मलेशिया तक था, लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों की बातचीत होना समझ में आया कि यार हम नहीं ठगे गए, हमारे जैसे हजारों लोग राजस्थान के बाहर इंडिया में ठगे जाते हैं। तो फिर धीरे धीरे इसमें मैं इस चीज़ में घुस गया, आज आपके सामने मैं बैठा हूँ। इस बंदे ने यकीन मानिए मेरे साथ ठगी करी लाखों रुपए की, उसके साथ में और जैसे बाद में मैं इसके घर पे गया, पता लगाया अंदर, बाद में तो आपको पता आदमी के साथ धोखा होता तो अंदर तक जाना ही पड़ता है ना, पता लगा कि 125 लोगों से ऊपर लोगों ने इसने लोगों से ठगी कर ली थी मलेशिया सिंगापुर के नाम से, जिसमें 100+ लोगों की तो लिस्ट मेरे पास आज भी पड़ी है, नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर सब हैं। ये सब बंदों को ये मलेशिया लेके गया, फिर बंदे वापस आ गए, लेकिन सब आपको पता है भैया, आप भी, आपको सब पता है, आप अपनी स्थिति देख लो ना,
कौन एजेंटों के पीछे भागेगा, कौन क्या करेगा, बेचारे दूसरे थोड़े दिन चक्कर काटते हैं फिर वो उसी अपनी लाइन में चले जाते हैं और कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, एजेंट जी पैसे खा के भाग जाते हैं। लेकिन मेरे माइंड में एक ही बात घुस गई थी कि इस बंदे ने हमारे साथ चीटिंग की है, इसका फल इसको मिलना चाहिए। जी हाँ, पैसे कितने लग जाए कोई बात नहीं, इस बंदे को एक साल तक मैंने समझाया, डेढ़ साल तक समझाया, कोई इसके ऊपर असर नहीं हुआ। हाँ जी वकील साहब कर रहा हूँ, ऐसे कर करके इसने गोली देता रहा ये बंदा। उसके बाद में मैंने इसके ऊपर 2019 मई जून के अंदर लगभग इसके ऊपर मैंने FIR करवाई है। ये फाइल आप देख सकते हैं, इस बंदे के ही हैं ये पूरे। एक फाइल और भी पड़ी है जो कोर्ट में है, अभी मेरे पास है नहीं। FIR करवाई, FIR करवाने के बाद ये बंदा आया, बातचीत की, फिर भी ये असर नहीं पड़ा। 8 महीने फिर निकल गए, इधर थाने से भी फ़ोन गया, CI से भी इसने बात करी। मेरे मोबाइल में आज भी सब कुछ इसकी जो बातें हुई थी ना थाने में, मेरे मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड है आज भी। ये फ़ोन मैं इसलिए नहीं बदलता हूँ, ये 6 Plus iPhone का है, इसमें बहुत सारे लोगों के एविडेंस है, समझ गए। इसलिए इसको फ़ोन को मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि WhatsApp चैटिंग वगैरह है, वॉइस रिकॉर्ड, आईफोन एक ऐसा है कि इसमें लंबे समय तक डेटा सेव रहता है, इसमें अपडेट वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है, तो ठीक है। इसी वजह से फ़ोन मेरे पास आज भी सुरक्षित पड़ा है। इस बंदे के ऊपर 2019 में मुकदमा दर्ज करवाया, फिर भी ये बंदा एक साल तक हम नहीं आया संपर्क में। 2-3 बार मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया, आपको पता है मैं जहाँ रहता हूँ मेरे से पाली 1100 किलोमीटर का अपडाउन हो जाता है, 1100 किलोमीटर आप समझ सकते हैं, आने जाने का 20,000 रुपये तो खर्चा लग जाता है गाड़ी का। इस बंदे को पकड़ने पकड़ने में 1 लाख रुपये मेरे खर्च हो गए, लेकिन लास्ट में इसको पकड़ लिया, लोकेशन ट्रेस करके इसको घर से उठा लिया। जी हाँ, थाने में इसको बंद रखा 7 दिन के लिए, फिर जो जमानत इसकी 5 से 7 दिन में हो जानी थी, इसको वकील ने बोल दिया था, एडवोकेट आपको पता है सब ऐसे ही बोलते हैं, हाँ जी मैं तेरी जमानत करवा दूंगा 4 दिन में, क्या देने की जरूरत है पैसे। इस बंदे को लॉर कोर्ट या वहाँ से इसकी जमानत कैंसिल करवाई, उसके बाद इसने सेशन कोर्ट में लगाई, सेशन कोर्ट से इसकी जमानत मैंने रद्द करवाई, फिर हाई कोर्ट लगाई। हाई कोर्ट में भी आप यकीन मानिए 2 बार कम से कम डेट लेके इसका लगभग 2 महीने और 20 दिन यानी 2.5 महीने 3 महीने के करीब ये बंदा जेल से बाहर आया। जी हाँ, इसके बाद में इसके ऊपर चेक बाउंस के भी मुकदमे चल रहे हैं, मैंने भी लगा रखे, स्टैंडिंग इसके खिलाफ है, कभी भी पुलिस इसको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। कल की डेट में ही मैंने इसके खिलाफ में इसके थाने में एक एप्लीकेशन भेजी है कि भाई इसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप जिसके खिलाफ FIR करवाते हैं उसके बाद में उसका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होता है जब तक कोर्ट का फैसला होकर उसको NOC नहीं मिल जाती है। अगर उस दौरान उसने सेटिंग से चालबाजी से पासपोर्ट रिन्यू करवा लिया और जांच में पता लग गया कि पासपोर्ट रिन्यू हो गया, तो जिसने पासपोर्ट रिन्यू करवाया है उसकी क्योंकि पुलिस पासपोर्ट रिन्यू कौन करता है, पुलिस अधिकारी बीट कांस्टेबल वो करते हैं, उनकी नौकरी 100% जाएगी, तुरंत 1 महीने के अंदर सस्पेंड होकर घर बिठा देंगे उनको और उसका पासपोर्ट वापस से कैंसिल हो जाएगा। तो इसके भी मैंने डाल के रखी है कि भैया इसका पासपोर्ट कहीं है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसी जगह होता है पासपोर्ट रिन्यू हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता, इस बात का आप भी ध्यान रखिए। अब अभी केस चल रहा है, बंदा तारीख पे आता है, लेकिन 7 साल की सज़ा तय है, 7 साल की सज़ा होनी है नो डाउट, क्योंकि मेरे पास 100 से प्लस ज़्यादा एविडेंस पड़े हैं भैया। अगर चोरी करने वाला ही बोल देता है कि नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे सबूत है, तो जिसके साथ हुआ है, जिसके साथ ठगी हुई है, उसके पास फिर कितने सबूत होंगे, सोचने की बात है ना। 7 साल की सजा तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब फैसला कभी भी आए, इस केस को 5 साल चले चाहे 7 साल चले, चाहे इसको पकड़ने में और हाईकोर्ट के सिस्टम में इसको वापस आने तक मेरे 1.5 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और आगे भी खर्च होंगे नो डाउट, क्योंकि आपको पता है भैया कोर्ट कचहरी के चक्कर में पैसा लग जाता है, तभी तो बहुत सारे गरीब लोग होते हैं वो बेचारे 20-30-50 हज़ार रुपये एजेंट खा जाते हैं और वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्थिति क्या होने वाली है। तो ये बात समझ गए होंगे, ये है महाज से जिसने ठगी की और 125 इसको भी अगर आप भी जानते हैं तो प्लीज़ मेरे से WhatsApp पे जरूर एक बार कॉन्टेक्ट जरूर करिएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं सर आपकी ऑफिस कहाँ है, भाई मेरी ऑफिस नहीं है, मैं बार बार आपको सफाई नहीं दे सकता कमेंट में नीचे जाके, ऑफिस उनकी होती है जो काम करते हैं, जो ऑफिस जो एजेंट बन के बैठे हैं वो बैठते हैं भैया, मुझे कहाँ जरूरत है। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं तो फीस जमा करके बात कर सकते हैं। फर्जी एजेंटों से बचने के लिए ये बुक भी मैंने लिखी है, मेरे बातें शेयर की हैं, सब कुछ इसमें बताया है, इसमें भी यही बातें हैं फर्जी एजेंटों के बारे में, मैन पावर ऑफिस के बारे में, सब कुछ इसमें डिटेल दी गई है। आगे हम बात कर लेते हैं कि भविष्य में हमारा प्लान क्या है। सर लोग कमेंट करते हैं, फोन पे बात होती है तो पता लगता है सर मिलना चाहते हैं, मिलके बात जो फोन पे बात होती है वो मिलने में फोन में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो उम्मीद है कि नए साल से जयपुर में एक सेटअप करने की सोच रहे हैं ऑफिस, जी हाँ, जिसमें लीगल एडवाइस आपको मिल सकेगी, कानूनी प्रक्रिया या फिर जॉब आपका वीज़ा एडवाइस से रिलेटेड बात करें
यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगा, क्लियर कट पहले ही कर दूं, सिर्फ आपको एडवाइस मिल सकती है कानून से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बाहर विदेश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन मैं एक और भी सोच रहा हूँ कि जैसे स्टेट की बात करें तो जैसे जितने 15 से 20 स्टेटों के लोग विदेशों में रहते हैं, सब लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो स्टेट वाइज एक एडवोकेट से बात करके आपके लिए ये सहूलियत मैं कर सकूं कि आपको मेरे पास ना आना पड़े। आप जैसे आप पंजाब से हैं, आप जैसे हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश, आप वहाँ हैं, वहीं से आपका समाधान हो जाए। अगर आपको लीगल एक्शन लेना है किसी एजेंट के खिलाफ में, कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे से बातचीत करके मैं आपको एड्रेस सेंड कर पाऊँ या फिर मैं आपको एड्रेस दे पाऊँ कि भाई आप वहाँ जाके आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप मिल तो मेरे से सकते हैं लेकिन प्रोसेस जो होगा आपका वो तो आपको लोकल करवाना पड़ेगा। ये तो नहीं कि आप हिमाचल के हैं, पंजाब के हैं, आप दिल्ली के हैं, आप राजस्थान से कार्रवाई करवा रहे हैं, वो तो संभव नहीं होगा। हाँ, एक रास्ता दिखाया जा सकता है, तो भविष्य की प्लानिंग ये है, बाकी देखते हैं ऊपर वाला और आप लोगों का सपोर्ट क्या कहता है। में चैनल बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि सिर्फ अभी तो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, उसके बाद में आप भी एजेंटों की तरह आने लग जाएंगे और अपनी वैकेंसीज वगैरह डालने लग जाएंगे। पांचवा साल है भैया, देखो बीच में कुछ लोगों के मैंने वीडियो बनाए थे जिसमें मुझे नहीं लगा कुछ अच्छा हो रहा है उनके साथ में, प्रॉब्लम आने लगी, तो भैया लोगों के जो वीडियो बनाने थे वो भी मैंने बंद कर दिए, बाकी वीडियो थे उनको प्राइवेट यानी डिलीट कर दिए गए, प्राइवेट कर दिए गए। तो कहने का मतलब ये है कि जॉब से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। आज यकीन मानिए लोग और एजेंट ऐसे भी हैं मेरे पास में कि एक वीडियो बनाने के 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं कि सर हमारे पास ये वैकेंसी आई है, आप अपने वीडियो बना के डाल दीजिए, हम आपको एक वीडियो के 2 लाख रुपए देंगे। महीने में अगर मैं 2 वीडियो भी डाल दूं तो 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कहीं नहीं गए, लेकिन हाथ जोड़ता हूं मैं, मुझे नहीं चाहिए भाई वो पैसे। सच्चाई की बात यह है क्योंकि मेरे को वो पैसे मिल जाएंगे लेकिन आप लोगों के साथ वो कितने ठगेंगे, क्या आपके साथ प्रॉब्लम होगी, क्या कितना क्या फर्जीवाड़ा करेंगे, तो इससे तो अड़िया है कि मैं आपसे कम में गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह और भी लोग मेरी वजह से फंसे। जो पहले हो चुका वो हो चुका, आगे सावधान रहने की जरूरत है और फुल सपोर्ट मेरी तरफ से रहेगा। आने वाले समय में हम जयपुर में ऑफिस भी सेटअप करने की सोच रहे हैं जिसमें आपको लीगल एडवाइस, कानूनी जानकारी, अगर आपकी कोई भी विदेश से संबंधित समस्या या आपका पासपोर्ट, वीजा, कोई भी प्रॉब्लम हो उसकी समस्याओं का समाधान बाकायदा प्रैक्टिकली करेंगे और ऑन द स्पॉट उसका फैसला भी कर देंगे। एजेंट अगर नहीं मानेगा तो वहीं का वहीं बैठे बैठे आपके सामने उसके खिलाफ में FIR दर्ज करवा देंगे। समझ गए बात को, क्योंकि भैया कानून पढ़ लिया, टेंशन किसी बात का नहीं है। सही के साथ कोई गलत नहीं कर सकता, ऊपर वाला भी गलत नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम आ जाती है, जब यकीन मानिए जब यार जो फर्जी काम करते हैं वही अपने आप को हेगड़ी और दादा समझने लग जाते हैं, तो ईमानदार आदमी में तो फिर दादा वो तो ऑटोमेटिक दादा हो गया, उसको तो समझने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को, तो अगर सही है तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कानून भी उसका सपोर्ट करेगा, पुलिस भी उसका सपोर्ट करेगी। हाँ, गलत है उनको डरना पड़ेगा, अगर वो ना हमारे राजस्थान में एक कहावत है 100 सुनार की 1 लोहार की, सुनार सोना घटता है, वो छोटा हथौड़ा होता है, वो 100 बार मारता है तब वो आकार लेता है सोना। लोहार का हथौड़ा देखा कभी आपने, एक आकार एक पड़ती है ना वो आकार बदल देता है, वो सनी देओल वाला डायलॉग सुना होगा आपने, ये सच्चाई है। तो भविष्य में हम कुछ बड़ा करने वाले हैं इन एजेंटों, फर्जी एजेंटों के खिलाफ में, जो जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो लोग पैसा खा जाते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट देके और उनको पता है कि ये गलत काम कर रहे हैं, और यकीन मानिए FIR में ऐसी धाराएं लगाएंगे कि जमानत भी नहीं होगी। ये मानिए, मैं बार बार बोलता हूँ ना, इमिग्रेशन में 7 दिन में जमानत होगी, भैया धाराएं देखनी पड़ती हैं। जब FIR तब पहले की बात और थी, मेरे वाले में बंदे के खिलाफ भी FIR में धारा कम लगी है, 420 406 इमिग्रेशन एक्ट 1983 वही धारा लगी है, बाकी 2 धारा और लगा देते तो जमानत नहीं होती उसकी 6 महीने पहले, लेकिन वो गलती हो गई, लेकिन आगे वो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में अपन FIR में ऐसी तैयार करेंगे कि एजेंट है ना बाहर निकलने के लिए तरस जाएगा, वो तभी निकलेगा तब आपका पैसा दे देंगे। बहुत सारी धाराएं ऐसी होती हैं जिसमें रिकवरी पहले करवाओ फिर जेल से निकलो, ऐसी रिकवरी जानबूझ के नकली वीजा देना ऑफर, इस पे मैंने वीडियो बनाया भी है सेकंड चैनल पे, सब कुछ बताया कि कौन कौन सी धाराएं लगती हैं, कौन कौन से अगर आपके इस खिलाफ में एजेंट गलत काम कर देता है, उस पे हम आगे भविष्य में बात करेंगे। नेक्स्ट ईयर जो 2022 आने वाला है, अगर ओमिक्रॉन ये कोरोना वगैरह खत्म हो जाता है तो हम बढ़िया बड़ा प्लान करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई आपको ठग न सके, एजेंट ठगने से पहले 100 बार सोचे। जी हाँ, बस ये अपडेट देनी थी साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।